कुछ बढ़िया है, बस एक ही चीज दिक्कत है भाई, स्नो फॉल नहीं है। तो हडिम्मा टेम्पल आप मेरे पीछे देख सकते हो भाई, यहाँ पे देखो हमको देखने को मिला याक, इसको याक बोलते हैं भाई साहब, मैं तो पहली बार देखा यार। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ब्लॉग में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखे, सुबह सुबह जो है हम लोग भाई मनाली पहुँच चुके हैं और अभी भाई रूम पे जाके फ्रेश वगैरह होके और चाय नाश्ता करके अभी हम भाई मनाली को देखने के लिए निकले बाहर। और अभी हम जा रहे हैं हडिम्मा टेम्पल, हडिम्मा टेम्पल जो भाई भाई मस्त लोकेशन पे है, तो अभी वहाँ चलते हैं और आप लोगों को वहाँ की हर एक चीज़ दिखाते हैं भाई, वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी है। और भाई मनाली में तो अभी स्नोफॉल हुआ नहीं है भाई रियल में यार, मनाली पे भाई स्नोफॉल ही नहीं हुआ अभी तक, तो भाई दूसरी जगह हुआ है जो अटल टनल पार करके स्नोफॉल है, तो वहाँ हम कल चलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि कितना स्नो देखने को मिलता है। तो अभी हम चलते हैं हडिम्मा टेम्पल, वहाँ पे सारा कुछ दिखाएंगे। तो भाई वीडियो को अभी से कर दो लाइक और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, मनाली का अपडेट देते रहेंगे भाई हम, क्योंकि 2-4 दिन हम मनाली में ही रहने वाले हैं, तो चलते हैं। तो भाई देखो मनाली के सड़कों में हम पैदल पैदल निकल चुके हैं हडिम्मा टेम्पल घूमने के लिए। देखो भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है यार, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ही ज्यादा आ रखा है यहाँ पे। तो भाई भाई देख सकते हो ये है हडिम्मा टेम्पल, भाई गेट मेन गेट है, इधर से जाना होता है। देखो यहाँ पे लिखा है हडिम्मा टेम्पल और इधर से चलते हैं भाई, ये देखो वुडन का बना हुआ है और चलते हैं आगे। गेट पार करोगे ना, देखो ये है उधर मेन गेट और गेट पार करते देखो यहाँ पे एक बोर्ड मिल जाएगा और यहाँ पे देखो ऊपर लिखा है हडिम्मा टेम्पल इस साइड में है 1.5 किलोमीटर। क्योंकि भाई हम लोग इससे पहले कभी गए नहीं है, क्योंकि हम मनाली में आए हैं पहली बार, इससे पहले कभी हम मनाली में नहीं आए थे, तो आज इस बार आए हैं, तो भाई कंप्लीट सारा कुछ एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं हडिम्मा टेम्पल और यहाँ पे हम चढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। देखो भाई ये नीचे से आए इधर पैदल पैदल और अभी इधर से हम ऊपर जाएंगे पैदल पैदल भाई, और यहाँ पे भाई जाने के लिए देखो कुछ इस तरह सीढ़ी बना हुआ है और हमें ऊपर जाना है बिल्कुल एकदम ऊपर, चलते हैं। चलो भाई भागो भागो जल्दी से घूमो, चलो जल्दी से चलो दौड़ के चलो, सर्दी लग रहा है दौड़ के चलो। भाई लेकिन एक बात है यार, हम लोग पहाड़ों में नहीं रहते हैं लेकिन थोड़ा सा चलने से ना भाई सांस फूलने लग जाते हैं यार, तो ये चीज़ है कि हमें भाई पहाड़ों में चढ़ने में उतना प्रैक्टिस नहीं है, तो चलते हैं आराम आराम से भाई, ज़्यादा ऊंचा ही नहीं है, चलते हैं। देखो भाई अगर हडिम्मा टेम्पल आप जा रहे हो तो यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश के ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आप फोटो खिंचवा सकते हो। कितने रुपए भाई साहब प्राइस? 100 रुपीज प्राइस है, 100 रुपीज में फोटो खिंचवा सकते हो भाई सारा हिमाचली लोकल जो ड्रेस है उसको पहन के। बाकी चलते हैं हम आगे हडिम्मा टेम्पल। 9 जनवरी है भाई, आज जो तारीख है 9 जनवरी है, और भाई इस टाइम तो यार यहाँ पे बर्फ़ हुआ करता था, लेकिन भाई क्या करे यार हमारे नसीब में ही बर्फ़ नहीं है। अभी जो है यहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ वगैरह कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा है भाई। हडिम्मा टेम्पल में कितना मस्त स्नोफॉल रहता है, लेकिन भाई इस साल तो अभी तक हुआ नहीं है। बाकी जाके देखते हैं कि वहाँ पे कितना क्राउड है। अगर आप हडिम्मा टेम्पल आ रहे हो तो आपको वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलते हैं, क्या क्या शॉपिंग कर सकते हो और क्या क्या एक्टिविटी होता है, तो चलते हैं भाई। सांस फूलने लगे हैं यार, क्योंकि भाई पहाड़ों में चलना उतना हमारे भाई चले ही नहीं है कभी यार। भाई यहाँ पे देखो हमको देखने को मिला याक, इसको याक बोलते हैं भाई साहब, मैं तो पहली बार देखा यार, लेकिन वीडियो में देखा था यहाँ। ये देखो भाई, देखो ये यास के ऊपर यहाँ पे देखो काफी सारा शॉप है भाई, यहाँ पे देखो पेंटिंग बना रहे हैं लाइव, ये देखो भाई पेंटिंग बना रहे हैं। यहाँ लाइव पेंटिंग बना के भाई बेच रहा है और यहाँ पे देखो प्रसाद वगैरह काजू वगैरह, और यहाँ पे हडिम्मा टेम्पल जाने के लिए देखो प्रसाद का भी दुकान वगैरह है, प्रसाद मिल जाएगा आपको यहाँ पे, बहुत सारा आपको दुकान मिल जाते हैं यहाँ पे। तो हम चलते सीधा हडिम्मा टेम्पल, आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ पे कितना भीड़ है, सब कुछ आप लोगों को दिखाते हैं इस वीडियो में भाई। सलाजीत कहाँ जा रहे?
सोकज भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ हडिम्मा टेम्पल। आप मेरे पीछे देख सकते हो भाई, हमने ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट भाई ट्रैकिंग करके भाई ऊपर आए। भाई ऊपर आने के बाद हमें देखने को मिला, देखो ये हडिम्मा टेम्पल भाई, ये देखो यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा क्राउड है। और भाई देखो सुबह सुबह अभी यार 11 बज रहा है, लोग देखो कितना सारा लोग है, और यहाँ पे देखो दर्शन करने के लिए कितना भीड़ है यार। ये देखो यहाँ पे लाइन लग रहा है लोग दर्शन करने के लिए, ये देख सकते हो, ये देखो दर्शन करने के लिए लोग लाइन लग रहा है। और बाहर अगर आप अंदर भीड़ में नहीं जाते तो यहाँ से देखो बाहर से आप ऐसे कुछ इस तरह दर्शन कर सकते हो हडिम्मा टेम्पल का। ये देखो भाई बिल्कुल एकदम लकड़ी से बना हुआ है, वुडन से बना हुआ है ये हडिम्मा टेम्पल। भाई मैं पहली बार आया मनाली और पहली बार ये चीज़। भाई देखो दर्शन के लिए जो है यहाँ पे एंड पॉइंट है, यहाँ से मंदिर के अंदर जा रहा है। और लाइन जो शुरुआत है भाई देखो इस साइड में मैं दिखाता हूँ भाई, ये देखो लाइन की शुरुआत जो है भाई, लाइन की शुरुआत यहाँ से हो रहा है, यहाँ से जाके मंदिर के चारों तरफ उधर से घूम के आके तब अंदर जा रहा है। भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो अगर आप अंदर नहीं जाना चाहते तो भाई यहाँ से देखो इस मेन गेट से यहीं से भाई दर्शन भी कर सकते हो। और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है बहुत सारा एक्टिविटी होता है। लोकल कपड़ा पहन के आप जो है यहाँ पे भाई फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हो, तो वो उस साइड में होता है, उधर भी चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं भाई। और यहाँ जो नज़ारा है ना भाई, ऊपर जो ये जो आप देख रहे हो ये जो भाई लंबे लंबे पेड़ है ना भाई, क्या शानदार लुक है। और ऐसे इस पेड़ों के बीच में है ये भाई हडिम्मा टेम्पल। ये देखो भाई इस साइड में जब स्नोफॉल हो जाता है ना इस जगह पे, क्या स्नो होता है इस जगह पे भाई साहब, लेकिन सब कुछ बढ़िया है। बस एक ही चीज़ दिक्कत है भाई, स्नोफॉल नहीं है, बर्फ़ नहीं गिरा है मनाली पे भाई। तो चलिए आगे और भी कुछ देखते हैं और आप लोगों को दिखा दो। बढ़िया भैया, तसल्ली मिलनी चाहिए, क्या हाल चाल, क्या है ये फोटो लेते हैं इसके साथ में। अच्छा, तो भाई यहाँ पे जो अभी हम आए हैं भाई, थोड़ा सा मंदिर से ऊपर आया, और यहाँ पे जो है लोकल ड्रेस पहन के, यहाँ पे देखो लोकल जो ड्रेस है वो पहन के यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हो भाई। यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह लोकल ड्रेस पहन सकते हो, तो भाई बहुत सारा है यहाँ पे, देखो बहुत सारा लोग हैं लोकल ड्रेस पहन के, आप यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हो भाई। यहाँ पे हिमाचली ड्रेस देखो, जैसे फूल वूल लेके टोकरी लेके फोटो खिंचवा सकते हो कुछ इस तरह। भाई देखो इस साइड इस तरह फोटो शूट करा सकते हो, यहाँ पे लोकल ड्रेस पहने हुए भाई, चारों तरफ से देखो लोकल ड्रेस पहन के लोग फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं भाई, कुछ इस तरह फोटो क्लिक करवा सकते हो। इस साइड में भी वही सीन है, और भाई यहाँ पे देखो दुकान वगैरह भी लगी है कई सारे। भाई ये वीडियो था हडिम्मा टेम्पल का, हम आपको हडिम्मा टेम्पल दिखाए और यहाँ पे क्या क्या है सब कुछ आप लोगों को बताए। तो भाई आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। तो मैं मिलाते मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।